أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। चैप्टर 10 है, चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 10.2 है, जिसका ये क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी दफा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू -15/8 और साइन बीटा हमारे पास गिवन है -7/25। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड पार्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 को सॉल्व किया था, पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहा हूं। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, नाइदर दी टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेयर अल्फा नॉर बीटा इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे अगेन उसने कह दिया कि अल्फा और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में ये हमने अभी देखना है। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, -15/8 है। यहां से हमने स्टार्ट करना है। टेंजेंट क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि 1 + tan² = sec² है, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सिकेंड आएगा, फिर कॉस निकालेंगे, फिर साइन निकालेंगे। एक तो क्वेश्चन भी बहुत लेंथी हो जाता है और बच्चे इतने ज्यादा फॉर्मूले भी याद नहीं रख पाते। तो आसान टेक्निक क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कुछ बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतने जीनियस नहीं होते, ठीक है, कि इतने फॉर्मूले याद रखें, भूल जाते हैं। तो आसान चीजें मौजूद हैं, आसान चीजें पढ़ाएं ताकि हर बच्चा उसको समझ जाए। हाइपोटेन्यूज का स्केयर क्या होता है, बेस के प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हमने यूज करना है। अगर हम कंपेयर करते हैं परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 15, लेंथ पॉजिटिव होती है, फंक्शन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 आ गई और बेस आपके पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर हम टेंजेंट थीटा टेंजेंट थ्रू बी परपेंडिकुलर, ठीक है, और ब्रशिंग बेस आ गया, कंपेयर किया फॉर्मूले के साथ वैल्यू को, तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू आ गई। पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब बेस आपके पास क्या है, 8 है, तो हमने बेस का स्केयर, हमने 8 का स्केयर लिख दिया, परपेंडिकुलर 15 है, तो परपेंडिकुलर का स्केयर 15 का स्केयर हो जाएगा। वैल्यू जब भी पुट करेंगे ब्रैकेट लगा के पुट करना है आपने। अब 8 का स्केयर क्या होता है, 64, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 थी, 15 का स्केयर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, 289 इसका स्केयर रूट लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्केयर 289 आया और हमें हाइपोटेन्यूज रिक्वायर्ड है। स्केयर रूट लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर 289 था, अगर स्केयर रूट लेते हैं हाइपोटेन्यूज का स्केयर तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा और 289 का स्केयर रूट 17 आ जाएगा। अब जैसे कि एंगल हमारे पास टेंजेंट का अल्फा था, ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, जो फंक्शन फाइंड करना है उसका एंगल भी अल्फा होगा। अब हमने साइन अल्फा और कॉस अल्फा क्यों फाइंड करें, क्योंकि हमने साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी फाइंड करना है। साइन सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 15 थी और हाइपोटेन्यूज क्या है, अभी आपने फाइंड किया, 17 है। अच्छा, अब क्वाड्रेंट को हमने यहाँ पे नहीं देखा था, उस क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। अब उसने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया था कि अल्फा और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है, अल्फा और बीटा
फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर कहाँ है? टेंजेंट आपके सामने नेगेटिव है, ठीक है। फिर मैं इसको यहां पे जो लिखा हुआ था उसको आपके सामने दोबारा डिस्प्ले कर रहा हूं। टेंजेंट नेगेटिव है क्वेश्चन के अंदर गिवन, तो अब हमने पॉजिटिव के कोऑर्डिनेट्स में देखने ही, टेंजेंट में फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो इन दो कोऑर्डिनेट्स में हमारा कोई कंसर्न नहीं है। क्यों? कि टेंजेंट नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव के कोऑर्डिनेट्स में देखते, नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव के कोऑर्डिनेट्स में देखना है। अब तो टेंजेंट नेगेटिव कहां कहां पे होता है? पहला और तीसरा कोऑर्डिनेट तो कट गया क्योंकि इन दोनों में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। दो कोऑर्डिनेट बच गए, एक सेकंड और एक फोर्थ। अब उसने मेंशन कर दिया है कि अल्फा और बीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में नहीं है, तीन कोऑर्डिनेट कट गए। हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट बचा? सेकंड। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव है, देख लें साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट। इसके अलावा जो बाकी फंक्शन है वो नेगेटिव है, तो टेंजेंट नेगेटिव इसी कोऑर्डिनेट में बन जाता है। फिर तो बीटा आपके पास अब किस कोऑर्डिनेट में, वो भी हम देख लेते हैं। अल्फा आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट में आ चुका है, ठीक होगी बात। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी आपके सामने दिखाया था सम पीपल है, अगर हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली थी 15/17। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्योंकि हमारा अल्फा है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है। कर्ली ब्राउन एयर बेस आपके पास 8 थी और हाइपोटेन्यूज अभी आपने फाइंड कर लिया 17। 8/17 वैल्यू आएगी और साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्यों? कि सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होता है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं साइन बीटा को। सम पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर आपका 7 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 है। मैंने क्या कहा था? फंक्शन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमारे पास गिवन नहीं है तो बेस का स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया और परपेंडिकुलर की वैल्यू 17 है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बन जाएगा। परपेंडिकुलर का 7 है। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। बेस का स्क्वायर आपने एज इट इज लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फोर्टी नाइन क्या है? हमारे पास पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 625 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे था, वो पॉजिटिव था, और 49 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो गया और बेस का स्क्वायर हमारे पास राइट हैंड साइड पे बच जाएगा। 625 में से अगर 49 माइनस करते हैं 576 आ जाएगा। 576 किसकी वैल्यू? बेस के स्केयर की। हमें बेस रिक्वायर्ड है तो स्केयर रूट ले लेते हैं। 576 का स्केयर रूट 24 आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं। अब हमने क्वाड्रेंट यहाँ पे इसका नहीं देखा था, क्वाड्रेंट को हम देख लेते हैं। और फिर हमने साइन बीटा गिवन था, कॉस बीटा हमने फाइंड करना है। क्यों? फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट्स हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, किसके फॉर्मूले की? साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले की भी हम फॉर्मूला भी देख लेंगे। तो चार रिक्वायरमेंट्स हैं हमने वो फाइंड करनी है, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड की थी। कर्ली ब्राउन एयर क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है तो बेस आपके पास क्या है? 24 है और हाई पढ़नी सबके पास 25 है। 24/25 कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके साथ नेगेटिव साइन क्यों हमने लगाया, ये हम देख लेते हैं। साइन नेगेटिव है तो ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, टी फॉर टेंजेंट और सी फॉर कॉस पॉजिटिव। अब क्योंकि साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव के क्वाड्रेंट्स में हमारा कोई कंसर्न नहीं। ए फॉर ऑल पॉजिटिव यानी कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर हमने देखना ही नहीं। और साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें भी हमने नहीं देखना। और क्वेश्चन में इसने बता दिया कि अल्फा और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम नहीं देखेंगे। तीन क्वाड्रेंट्स को मैंने क्रॉस कर दिया। अब बहुत लोग कहते हैं जी सर ये जो आप हाथ से लिखते हैं ये क्यों लिखते हैं, तो इसकी रीजन क्या है? कि इस तरह चीजें अच्छी समय में आ जाती हैं। अब यहां पे देखें
बीटा आपके पास किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फॉर्मूले की सारी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर ली है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा का, और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का हाईलाइट भी कर दिया और साथ लिख भी दिया। क्वाड्रेंट्स का ये मैंने बार बार इसको दिखाया था, ये लिखा हुआ है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होते हैं। कॉस और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोबारा से क्वाड्रेंट भी दिखा दिए फॉर्मूले, जो मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले में चार वैल्यूज हैं, देख सकते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा दो वैल्यूज, कॉस अल्फा साइन बीटा दो वैल्यूज, चार वैल्यूज, और इस फॉर्मूले में कॉस अल्फा कॉस बीटा दो वैल्यूज होगी और साइन अल्फा साइन बीटा ये दो वैल्यूज होगी। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 15/17 साइन अल्फा की वैल्यू है, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, -24/25 है, कॉस अल्फा की वैल्यू -8/17 है, और साइन बीटा की वैल्यू -7/25 है। लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं 15 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 360 बन जाता है। 15 को हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इनटू माइनस, 7 माइनस साइन आ गया। 17 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, 425 बन जाएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 56 माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 425। अब 425 आपका कॉमन एलसीएम है तो -360 और 56 आपके पास एज इट इज लिखे जाएंगे। इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, 425 तो आपको एलसीएम है वो तो एज इट इज आना ही है। -360 प्लस 56 क्या हो जाएगा, -304 डिवाइड बाय 425 ये आ जाएगी। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा है। कॉस अल्फा की वैल्यू -8/17 थी, कॉस बीटा की वैल्यू -24/25 है, साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 है, और साइन बीटा की वैल्यू -7/25 है। वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई करते हैं। 8 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इनटू माइनस प्लस आएगा 192। 17 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 425, और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इनटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 105 आ जाएगा 15 को 7 से मल्टीप्लाई करने से। 17 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 425, आपका जो एलसीएम है वो क्योंकि कॉमन है तो 192 और 105 ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं, 192 प्लस 105 तो बन जाएगा 297। 425 आपका कॉमन एलसीएम था वो आपके पास एज इट इज आएगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। आखिर में यही कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो बेटा मैंने क्या किया है, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको आगे फॉरवर्ड करना है, जो कि मुश्किल काम नहीं है, और आप भी इस नेकी के काम में अपना हिस्सा डाल लेंगे सिर्फ शेयर करके। अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए।